हेलो दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए जो लोग अपना सिविल स्कोर इम्प्रूव करना चाहते हैं, जिन्होंने बिगिनिंग किया है या जिनका सिविल स्कोर ऑलरेडी खराब चल रहा है। क्या कारण हो सकते हैं या आप कैसे अपना सिविल स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं जिससे बैंक आपको लोन दे सके। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़, जब हम लोन लेने चाहते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं हर बैंक के पास घूम रहा हूँ। भाई मैं एक बैंक के पास गया, देखूं क्या फॉर्मेलिटी है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, फिर मैं वही उठा के दूसरे बैंक के पास गया, देखूं वो कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगा, उसकी क्या फॉर्मेलिटीज़ है। ऐसे मैं 4, 5, 8 बैंक के पास चला गया ये पता करने के लिए, देखूं क्या कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट कम दे रहा है। अच्छी बात है, आप अपनी जगह सही हैं, लेकिन क्या होता है जब बैंक आपकी फाइल लेता है। सपोज करिए मैं HDFC बैंक हूँ, आप मेरे पास लोन लेने आए, तो मैंने सिबिल पे जाके ही आपकी एंट्री, आपकी आईडी डाली और आपका सिबिल स्कोर चेक किया। सिबिल जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी अपनी वेबसाइट है जो आपका क्रेडिट स्कोर बता देगी। आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा सारी चीजें। तो HDFC बैंक हूं मैं, मैंने चेक कर लिया। अब आप गए ICICI बैंक के पास, सेम चीज आपने उनको दी, फिर उन्होंने आपकी आईडी डाली, चेक कर लिया। ऐसे ही आप SBI के पास गए, ऐसे ही आप कोटक महिंद्रा के पास गए, ऐसे ही आप डिफरेंट बैंक के पास चले गए। अब सिबिल देखता है, यार एक इंसान की एंट्री इतनी बार आ रही है, डाइसी तो नहीं है ये, कोई डिफॉल्टर तो नहीं है, हर बार चेकिंग। आप खुद सोचिए, अगर मैं आपकी चेकिंग के लिए आपके घर में एक इंसान को बार बार भेज रहा हूं, तो आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे ना। आप कहेंगे यार मैंने एक बार इंफॉर्मेशन दे दी, दो बार दे दी, 5-5 बार मैं दूंगा। तो ऐसे ही सिबिल जब वो बार बार आपका स्कोर चेक करता है, वहां से बैंक चेक करता है, तो सिबिल स्कोर आपकी नेगेटिव रेटिंग देता है, यहां पे आपका स्कोर डूबता है। तो ये काम मत करिए तो इंप्रूव हो जाएगा। दूसरा, आपने लोन लिया, क्रेडिट कार्ड लिया, अब आपने ये सोचा कि यार मैं लोन दे नहीं पा रहा, बैंक को बोला यार सेटलमेंट कर लो कुछ, बैंक भी राजी हो गया, भैया उसे पैसा चाहिए, वो कहता है भाई भागते चोर की लंगोटी से ही पैसा ही आन दे तू। अब आपने सेटलमेंट कर लिया, आप तो खुश हो गए, इधर से बैंक को बैंक का भी पैसा आ गया एक तरीके से, एक पर्टिकुलर अमाउंट आ गया उसको भी। लेकिन इसमें क्या हुआ, आपका सिबिल स्कोर फिर नेगेटिव हो गया, क्योंकि आपने सेटलमेंट इसीलिए की थी ना कि आप लोन नहीं चुका पा रहे थे, तो फिर आपका स्कोर नेगेटिव। इसीलिए ऐसा काम ही मत करिए जिसमें सेटलमेंट की जरूरत हो, सेफ खेलिए। अब अगर मैं टाइम से पेमेंट दे रहा हूं, बैंक को इंटरेस्ट भी दे रहा हूं, कोई डिले नहीं हो रहा, तो मेरी रेटिंग इंप्रूव होती चली जाएगी। देखिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, गुडविल बनानी है, इज्जत बनानी है। आपके माइंड में होता होगा यार बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को करोड़ों का लोन मिल जाता है, यार हमें तो कुछ भी नहीं मिलता, हम कौन सा इतना करोड़ों रुपए मांग रहे हैं। कारण यही है कि उनका सिविल स्कोर इतना अच्छा है। तो आप अगर अपना सिविल स्कोर इतना अच्छा कर लेंगे तो वही जगह आपको मिलेगी, वैसे ही लोन आपको भी मिलेंगे। तो आज ही से तैयार हो जाइए और अपना सिविल स्कोर इंप्रूव कीजिए, लोन मिलेगा, टेंशन फ्री हो जाइए, टाइम से चुकाइए, यार क्यों लेट करना लोन का भी। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर आप लाइक करते हैं तो हमें पता लगता है कि जो इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं वो आपकी समझ में आ रहा है। और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन पूछिए, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। अगले वीडियो देखने ना भूलिए। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।